सावन के पावन महीने में गोरखपुर के बड़हलगंज स्थित सरयू तट से जल भरकर भगुआपार मुंजेश्वर नाथ शिव मंदिर, मुक्तेश्वर नाथ और झारखंडी स्थित शिवालयों पर जल चढ़ाने के लिए श्रावण महीने में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवरियों में भगवान शिवलिंग को जल चढ़ाने को लेकर कांवरियों की एक अजीब अनोखी भक्तिमय स्पर्धा देखी गई। वहीं साथ ही गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हरदिया गाँव के पास नौयुगों द्वारा कांवरियों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई, जिसमें प्रसाद स्वरूप हलवा चना और चाय के साथ साथ शरीर में दर्द होने पर पेन किलर दवाइयाँ भी मौजूद कराई गईं और नंगे पांव चल रहे पांव को राहत देने के लिए गर्म पानी भी उपलब्ध कराए गए। इस दौरान कांवड़िए पूरे भक्तिमय माहौल में डीजे पर गाजे बाजे के साथ नाचते झूमते नजर आए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कांवड़ियों और लंगर आयोजन कार्यकर्ता ने कहा, बता दिया मांग में कौन कौन कर नीलेश निषाद। हम कार यात्रा 4-5 साल से निकाले हैं, जीतपुर से बड़हलगंज तक जाते हैं, वहाँ से आते हैं पिपराइच तक जल चढ़ाते हैं वहाँ, और पैर में छाले भी पड़ जाते हैं और सर रास्ता भी नहीं सही है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जल भरे हैं और पिपराइच गिराएंगे और नंगे पांव हम लोग आते हैं बहुत। अरे लगभग 10 साल हो गया। किलोमीटर लगभग कितना पड़ेगा? 80-90 पड़ेगा लगभग टोटल बड़ा पिपराइच। कृष्ण मोहन पांडे। यह कांवरियों के लिए लंगर लगा हुआ है, जिसके उपरांत हरदिया गांव से गर्म पानी, दवा और
जल जलपान का प्रबंध किया गया है। या लोग बड़हलगंज से जल भरते हैं और जाएंगे पिपराइच और क्या नाम है भगुआ पार तक। अपनी तरफ से भाई सेवा ही किया जा सकता है और क्या कर सकते हैं हम लोग। मुनीर, हमें बड़हलगंज से जल भरे हैं, हम पिपराई जाकर चढ़ाएंगे। 120 किलो 125 किलोमीटर है, इस सावन में एक बार जाते हैं, कुछ नहीं तो 20 साल से ऊपर हो गया है।